गाइस आप लोग का स्वागत है हमारे एक और मस्त से वीडियो में। तो आज हम लोग आए हैं महाकौशल यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय एडमिशन के लिए। तो आप लोग को दिखाते हैं इधर के सारे सीन और सर हैं हमारे साथ। तो आज आए हैं दरबार एडमिशन के लिए और इधर के सर ग्राउंड राउंड देखिए आप लोग। चाहे वाइस चांसलर साहब हों, रजिस्ट्रार साहब हों, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर हों, सब आपको यहीं मिल जाते हैं। आपको बजट भटकना नहीं पड़ता किसी भी काम। जो विश्वविद्यालय पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें अधिकारी पे साइन चाहिए। आपको ये नहीं है कि आप अभी तो यहाँ बैठे हो, पता नहीं कब हो रहा है। अधिकारी दरवाजा खोलिए, चले जाइए। इकलौता विश्वविद्यालय है जहाँ वाइस चांसलर रजिस्ट्रार की आसानी से उपलब्ध है। ठीक है, आप ये अकाउंट सेक्शन जहाँ फीस वगैरह होती है अकाउंट फीस के लिए यहाँ पर फंक्शन, छोटे मोटे फंक्शन जो होते हैं वो हम लोग करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो होती हैं, बैडमिंटन हो गया और टीटी वगैरह हो गया, वो हम लोग यहाँ पर खेलते हैं। ऐसे हमारे पास में तीन है। एक ही फ्लोर है, उसका सेकेंड फ्लोर पर जाते हैं, पूरा ही फ्लोर लैब की डेडिकेटेड है। मतलब आपको भी कंप्यूटर सीखना है बिल्डिंग में आने के लिए कार्ड निकला है ना, उसकी उसका पोस्ट उसके यहाँ से पूरा बना। यस सर। फायर सेफ्टी का मतलब क्या है? जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है ये वहाँ पे उसकी तंदर बनाने के लिए होता है। आग लग गई है, बिजली है, सांस से निकलाया है, सेफ्टी बनाए कैसे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे मेंटेन करें। आप लोग जैसे भी खुदाई होती है नजर आता है, खबर आती है गड्ढा मट्टी दब गई है, दो तीन लोग दब गए उसमें, तो सुरक्षा के नियम कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी भी हमारे आग बुझाने के यंत्र हैं, इसमें क्या है, इसकी फिट खींचो, उसको दबाओ, एक हवा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आग बुझा देती है। मान लो ये नहीं है, आग से नहीं दब पा रहा है, तो ये बॉल है, जहाँ आग लगी हो वहाँ फेंक दो, अंदर क्या फटेगी और आग जो पूरी पूरी बुझ जाएगी। ये नए यंत्र हैं जो आए हुए हैं। आप जैसे सांप पकड़ने की बात आए, सांप कैसे पकड़ोगे? ठीक है, तो ये इक्विपमेंट सेफ्टी की पढ़ाई जो है वो अपन लोग यहाँ करा। तकनीक तो पाए गया जब आपके पास में हो लेबोरेटरी, जब लैब्स हो। महाकौशल विश्वविद्यालय में हर विषय की पर्याप्त लैब है जहाँ बच्चे अलग अलग विषयों पर प्रवेश लेते हैं और अपना जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वो सब करते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा मशीन सेक्शन है, डिफरेंट टाइप की मशीन है। जैसे ईंट होती है, ईंट की मजबूती कैसे निकालते हैं, लोहे की स्ट्रेंथ से निकलती है, लोहे कितना ताकत है लोहे में। ये जो मशीन रखी है ना, UTM बोलते हैं उसको, इससे हम उसकी ताकत निकालते हैं कि लोहे की ताकत कितनी है। फिर से लैब क्यों दिखा रहे हैं? आप लोग को पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में, आपके विश्वविद्यालय में क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, ताकि अन्य विषयों के जो बच्चे हैं उनका बता सकें कि भाई यदि पढ़ाई करना है तो कहीं भी जाओ, पढ़ना लिखना है तो कहीं भी जाओ, लेकिन पढ़ना और सीखना है तो कहाँ आओ, महाकौशल। यहाँ आपको पढ़ाने के साथ में हम लोग सिखाते भी हैं। ठीक है, चलो कॉर्पोरेट कल्चर की आदत जो है आपको यूनिवर्सिटी से ही पढ़नी चाहिए। अब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है यूज करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। आप मीटिंग में कैसे बोलेंगे 10 लोगों के सामने? सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उनके लिए आप इस जगह का उपयोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम मीटिंग, स्टूडेंट से मीटिंग करनी है, स्टूडेंट ग्रुप से मीटिंग करनी है, उसके लिए हम कॉन्फ्रेंस हॉल का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा है। यस सर। पेपर टीचिंग क्लासरूम में होगी, एग्जाम यहाँ से पेपर बनते हैं, यहीं रिजल्ट बन सब कुछ यही होता है। की बनाए वीडियो आई ये क्लासरूम में जहाँ पर आपकी पढ़ाई होती है। ये आप तो सीनियर हैं, BA एलएलबी के, है ना, बन गए ना। चलो, एक व्यक्ति को भी परेशानी है, एक बच्चे को पढ़ाई में समझ में नहीं आया है तो टीचर क्लास देगा। ऐसा नहीं है कि जब क्लास चल रही है रेगुलर तभी बस आपको पढ़ाई जाएगी, हर सब्जेक्ट का।
मतलब आपका डिपार्टमेंट का टीचर जो है कोई चीज़ समझ में नहीं आई आपके, तो ये नहीं है कि अरे अब तो क्लास लग चुकी है, अब कोई मतलब नहीं है, अब एग्जाम का समय आ गया, अब क्या पढ़ना। एक तो भी होगी ना, जैसे दो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तब तक समझ में नहीं आएगा ये उनको पढ़ाएगा, और नहीं पढ़ाएंगे बच्चे हमें फोन करेंगे। ये बायो वाले बच्चे जो होते हैं फार्मेसी वाले, उनके लैब है कैप्सूल, दवाई, लोशन, मलहम, जेल, है ना, टैबलेट, वो कैसे बनती हैं वो सब यहाँ पर सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटी है यहाँ पर जहाँ पर बी ए है, बी एस ए कोर्स के लिए लैब है। ये कोर्ट है, इसके अंदर मूट कोर्ट बोलते हैं। मूट कोर्ट में क्या होता है, आप लोग ये जब आप लैब से चलेगा ना तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कोर्ट का माहौल दिया जाता है। जज बैठे होंगे, एक पक्ष एक प्रतिपक्ष, केस किया जाएगा, स्टडी करो और लड़ो, जीतो, और डिसाइड डिसीजन तो आ चुका है केस का, पहले पुराने केस रहते हैं। अब आपकी कितनी उसमें हिम्मत है कि डिसीजन लड़ सको या डिसीजन को जो कदम रख सको, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर हम एक सेल्फ डिसीजन कर सकते हो, जज बन सकते हो, खड़े खड़े हो सकते हो, आ जाओ खड़े हो भाई, कट कर रहे हो खड़े हो, तुम कट कर रहे हो खड़े हो, खड़े हो कट कर रहे, अंदर जाओ जाओ, एक निशान दीपक के ऊपर लग गई। इसके विपक्ष में कोई नहीं है। अब बना रहे वीडियो बनानी है ना, लाइब्रेरी लाइब्रेरी बड़ा ही मस्त है यार इधर पर तो। वापस घर के लिए दीपक भाई बड़ा मजा आया, पकौड़ा खा के गए दीपक, पकौड़ा पथरी के पकौड़ा खाए।